हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके सामने बताने वाले हैं कि रिलायंस का जियो 5G जो आज लॉन्च हुआ है, वो उसके बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और कौन बेटर है, जियो या एयरटेल। तो अभी बहुत विशेष उसके डिस्क्रिप्शन तो नहीं आए हैं और ना किसी ने बहुत अधिक वादा किया है, लेकिन जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो हम आपको देने वाले हैं। तो कृपा करके आप लोग पूरा देखेगा, जिससे आपको समझ में आए कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करिए जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। शहर में शुरू हुआ 5G, तो उसमें एयरटेल जीत गया। एयरटेल ने 1 अक्टूबर को ही अपना 5G लॉन्च कर दिया था और वो 8 शहर में उसने लॉन्च किया, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी और कलकत्ता में, और इन शहरों में उसने रोल आउट कर दिया 5G सिग्नल्स को, और उसमें सिग्नल भी आ रहा आएगा तो लोग उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं। जबकि जियो थोड़ा से पीछे रह गया और उसने ट्रू 5G सर्विस का बीटा ट्रायल दशहरे पर वो शुरू करेगा। तो आज दशहरा है तो आज ही ये शुरू होगा, लेकिन ये इसने 4 ही सिटी में सर्विस को चालू किया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी। जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर एक है जिसको हर किसी को नहीं मिला है। जिन लोगों को इनवाइट किया गया है उन्हीं लोगों को ये सर्विस मिली है, जिसके तहत यूज़र को 1 GBPS तक की स्पीड का अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। तो इनवाइटेड यूज़र उसको यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और बताएंगे कि वो कैसा काम कर रहा है। उसी बेसिस पे जियो जो है अपने सर्विस को इम्प्रूव करेगा और प्रमोट करेगा। तो जियो वेलकम ऑफर जो है वो उसमें जो मौजूदा जियो सिम है उसको बदलना नहीं पड़ेगा, उसमें 4G सिम ही यूज़ करके आप काम कर पाइए। यूज़र का मोबाइल अगर 5G होने पर जियो ट्रू 5G सेवा ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगी और जो भी आपकी सेवा है वो अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। तो आपको 4G सिम पे ही 5G का मज़ा मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में इसीलिए, क्योंकि 4 सिटी में उसने भी किया, तो कनेक्टिविटी सर्विस के मामले में कड़ा मुकाबला होने वाला है एयरटेल और जियो का। एयरटेल 5G प्लान, हालांकि अब तक कंपनी ने 5G प्लान की कीमत को लेकर कुछ फाइनल जानकारी नहीं दी है। जानकारों का कहना कि एयरटेल का प्लान 4G की तरह नहीं होगा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा लॉन्चिंग के दौरान कहा कि उसके पास एयरटेल 5G का मार्च 2023 तक देश के लगभग सभी शहरों तक पहुँच जाएगा। तो इन्होंने तो वादा किया है कि 23 तक सब शहरों पर पहुंच जाएगा और 24 तक पूरे देश में। लेकिन एयरटेल 5G प्लान की कीमत 4G के मुकाबले 15% अधिक हो जाएगी। इन्होंने ये तो क्लियर बता दिया है कि इससे प्राइस बढ़ने वाली है, चाहे इससे जितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती हो। हालांकि 5G की फैसिलिटी ये है कि कोई आदमी अगर एम्बुलेंस में जा रहा है तो उसकी सारी चेकअप होती रहती है और वो इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल में अपडेट होती रहती है, और जिससे आदमी जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो 5G फैसिलिटी होने से बहुत कुछ बदल जाएगा। जियो की ट्रू 5G कंपनी ने वादा किया कि कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कौशल विकास, छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों में IoT, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में प्रमुख रूप से फोकस करेगी। अब उन्होंने ये एरिया बताया जिसमें वो 5G के थ्रू फोकस करेंगे। स्टैंड अलोन 5G या स्टैंड अलोन नेटवर्क है, यानी जियो 5G के लिए 4G नेटवर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका सीधा फायदा जियो के ट्रू 5G को मिलेगा। जियो 5G में यूज़र को लो लेटेंसी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग जैसे शानदार फीचर मिलेंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की और बताया कि हम जो 5G ला रहे हैं उसमें ये सब फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो
कैरियर एग्रीगेशन के लिए भी बताया उन्होंने कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मौजूद डाटा हाईवे बनाती है जो यूजर के लिए कवरेज क्षमता गुणवत्ता और डाटा बचत का एक शानदार पैकेज है। तो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो लोग दूर से कोई काम कर रहे हैं उनके लिए अगर डाटा की स्पीड बढ़ जाएगी तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और डाटा भी कम यूज़ होगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या वर्किंग वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कैरियर एग्रीगेशन के लिए बहुत अच्छा है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G दिसंबर 2023 तक सभी तक पहुंच जाएगा, जबकि वो लोग ये कह रहे थे कि 24 तक पहुंच जाएगा। इन्होंने जियो का ग्लास भी एक इंट्रोड्यूस किया है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। जियो ग्लास बाहर से देखने में एक आम चश्मे की तरह लगता है लेकिन इस चश्मे का स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट से आसानी से कनेक्शन किया जा सकता है। तो इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट से चश्मे से कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी मदद से वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अब और क्या चाहिए आपको कि आप चश्मा पहनिए, आपकी स्ट्रीमिंग भी हो जाए और आपका टैबलेट भी कनेक्ट हो जाए और स्मार्टफोन भी कनेक्ट हो जाए। चश्मा 2D के साथ 3D विजुअल को भी सपोर्ट करता है। अब ये आप 3D मूवी आपने कभी देखी हो तो आपको रियलाइज होगा कि सब कुछ ओरिजिनल जैसा दिखने लगता है और ये 1920x180 पिक्सल को रेजोल्यूशन को कवर करता है। चश्मे के साथ ऑडियो के लिए इन बिल्ट स्पीकर भी मिलता है, तो उसमें स्पीकर भी है तो और बहुत ही एडवांस है। लेकिन ये है कि अब इसकी कीमत कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि लोग अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भारत में कौन सा इंटरनेट सबसे तेज़ है, तो अभी तक जो पता लगा उसमें 61.88 Mbps की मेगाबाइट पर सेकंड की औसत डाउनलोड गति के साथ जियो दूसरी तिमाही में बाजार में सबसे तेज ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद एक्सेल, फिर ACT, फिर एयरटेल काफ़ी पीछे आ गया है, हैथवे और BSNL है। हालांकि अगर हम विलंबता को देखें तो ACT और एक्साइटल भारत में शीर्ष दो ISP हैं। तो इस तरह से इंटरनेट स्पीड वाइज तो पीछे हो गए हैं कुछ लोग। एयरटेल हालांकि सबसे पहले भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया था लेकिन अब वो थोड़ा से पीछे हो रहा है और आशा करते हैं कि आगे वो अच्छा हो जाएगा। So this is all today viewer, if you like this information regarding to the 5G then please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Thank you.